नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 दिसंबर गुरुवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40 नए केस मिले हैं। इसमें 25 मरीज केवल जयपुर में मिले हैं। जयपुर में जो मरीज मिले हैं, इनमें 11 ऐसे मरीज हैं जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव और संदिग्धों के संपर्क में आए हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद CMHO की टीम ने सभी को संदिग्ध मानते हुए उनके सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भिजवाए हैं। जयपुर CMHO डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया कि आदर्श नगर में जो परिवार ओमिक्रॉन संक्रमित मिला है, उसी परिवार के संपर्क में आए 3 और सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। इन सभी 3 लोगों को अब RUHS में शिफ्ट किया जाएगा। जयपुर के अलावा हनुमानगढ़, अलवर में 4-4 केस, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर में 2-2 केस, जबकि बीकानेर में 1 केस मिला है। राज्य में आज कुल 24 मरीज रिकवर हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 236 हो गई। दिल्ली के आरकेपुरम के रिंग रोड के पास एक भयंकर सड़क हादसा हो गया। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। रोड़ी से भरा हुआ ट्रक तेज रफ्तार से आ रहा था, बेकाबू होकर वह पास से गुजर रही कार के ऊपर जा गिरा। कार के अंदर पति पत्नी सहित उनकी 6 साल की मासूम बेटी भी मौजूद थी। पति पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बच्ची को घायल अवस्था में पास के ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक पति पत्नी का नाम मनीष जोशी और शिप्रा जोशी है। बताया जा रहा है कि वे करौली राजस्थान से थे। पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। घटना के बाद मौके से फरार ट्रक चालक को पकड़ने के लिए मामला दर्ज कर छापेमारी की जा रही है। कोरोना के खतरे के बीच कांग्रेस 12 दिसंबर को जयपुर में बड़ी रैली करने जा रही है। रैली से कोरोना के खतरे के बाद अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का तर्क देते हुए बचाव किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रैली से कोरोना फैलने के सवाल पर कहा कि जो भी रैली में आएगा वो डबल वैक्सीनेटेड होगा। रैली में आने वाले के वैक्सीन के दोनों डोज लगी होने चाहिए। अगर दोनों डोज नहीं लगी है तो RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर आनी होगी। श्री डोटासरा ने कहा कि रैली में यह हम सुनिश्चित करेंगे कि बिना वैक्सीन लगाए कोई रैली में नहीं आएगा। यह सुनिश्चित होगा कि हर व्यक्ति मास्क लगाकर रैली में आएगा। कोटा जिले की गुमानपुरा थाना पुलिस ने क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 7,35,000 नकद बरामद हुए हैं। युवक वेबसाइट के जरिए मैच पर सट्टा लगा रहा था। पुलिस ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि धान मंडी गेट के सामने एक युवक मौजूद है। वह क्रिकेट मैच पर मोबाइल के जरिए सट्टा खेल रहा था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वह रजानगर रेलवे कॉलोनी निवासी इमरान मंसूरी मिला। पुलिस को देखकर वह सकपका गया। जब पुलिस ने उसका मोबाइल चेक किया तो उसमें एक वेबसाइट खुली हुई थी, जिस पर क्रिकेट सट्टा लगाने का अकाउंट बना हुआ था। पुलिस को इमरान के पास से 7,35,000 रुपये मिले हैं। अजमेर पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया है। दुष्कर्मी को आखिरी सांस तक जेल में रखा जाएगा। कोर्ट ने आरोपी पर 71,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक रूपेंद्र पाल सिंह ने बताया कि 5 नवंबर 2019 को मांगलियावास थाना क्षेत्र में 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। नाबालिग की मां ने मांगलियावास थाने में मामला दर्ज करवाया था कि आरोपी जीतू सिंह उर्फ मोटा ने बच्ची को उठाकर अपने घर ले गया था। वहां उसने बच्ची के साथ रेप किया। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र में जैसलमेर ग्राम पंचायत के सरपंच के पति से अज्ञात युवक 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। सरपंच के पति भिखाराम जाखड़ की बातों ही बातों में उलझाया और उनका थैला लेकर फरार हो गए। इस थैले में ही 2 लाख रुपए लेकर जाखड़ किसी काम से जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि जंवर बस स्टैंड के पास मोटरसाइकिल लिए 3 युवक खड़े थे। इन युवकों ने जाखड़ को वहां पर रोका। ग्राम पंचायत की बात करते करते उन्हें किसी स्कीम के बारे में बताया और बातों में उलझाकर 2 लाख रुपए पार कर लिए। पुलिस ने CCTV कैमरे को चेक किया तो इसमें मोटरसाइकिल सवार नजर आ गए। अब इसी के आधार पर युवकों की तलाश की जा रही है। बाड़मेर जिले के नगाना थाना क्षेत्र में मुड्डो की ढाणी में नवविवाहिता की टांके में गिरने से मौत का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर शव को मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि 19 वर्षीय लक्ष्मी पत्नी सुरेश कुमार अपने पीहर में छोटे भाई के साथ टांके पर पानी भरने गई थी। पानी भरने के दौरान पैर फिसलने से टांके में गिर गई। परिजन व ग्रामीण भाग कर गए और विवाहिता को टांके से निकाला। आनन फानन में जिला अस्पताल लेकर गए। वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लक्ष्मी की शादी 1 दिसंबर को हुई थी।
पारिवारिक विवाद के चलते बीकानेर के जय नारायण व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र के उद्दासर में एक युवक ने अपने 5 साल के बेटे के साथ जहर पी लिया। 26 साल के सोनू बावरी की जहर खाने से मौत हो गई, जबकि उसका बेटा गोपी पीबीएम अस्पताल में भर्ती है। माना जा रहा है कि घरेलू विवाद के चलते ही सोनू ने ऐसा कदम उठाया है। पुलिस ने बताया कि सोनू बावरी पिछले कुछ दिनों से परेशान था और पारिवारिक कलह के चलते उसने जहर पी लिया। इस दौरान अपने बेटे को भी जहर पिला दिया। परिजन दोनों को पीबीएम लेकर पहुंचे, जहाँ गोपी की जान तो बच गई लेकिन सोनू बावरी की मौत हो गई। 6 साल बाद राजधानी जयपुर में वाहनों की स्पीड लिमिट में बदलाव किया गया है। नए बदलाव में शहर की सड़कों पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अब ई कार्ट को भी चलाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा एलिवेटेड रोड, स्कूल और अस्पतालों के बाहर भी वाहनों की गति को भी निर्धारित किया गया है। शहर में चौपहिया व तिपहिया वाहनों की गति में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन बस की गति को 30 से बढ़ाकर 40 और बाइक की गति को 40 से बढ़ाकर 45 किलोमीटर प्रति घंटा किया गया है। दूसरी ओर स्कूल व अस्पताल के बाहर से गुजरने वाले प्रत्येक वाहन की स्पीड को 25 किलोमीटर कर दिया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा भी पटवारी परीक्षा की तरह ही आयोजित होगी। इस परीक्षा में 4 चरण होंगे। नकल या पेपर लीक को लेकर संवेदनशील माने जाने वाले प्रदेश के 7 जिलों में एक भी परीक्षा केंद्र नहीं होंगे। यह परीक्षा प्रदेश के 26 जिलों में होगी। पटवारी भर्ती परीक्षा 23 जिलों में हुई थी और 10 जिलों को परीक्षा से बाहर रखा गया था, लेकिन इस बार चयन बोर्ड ने 3 जिलों को राहत देते हुए ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल किया है। अब सीकर, झुंझुनू और पाली में भी परीक्षा होगी, जबकि पटवारी भर्ती परीक्षा इन जिलों में नहीं हुई थी। बोर्ड की ओर से 3,896 पदों के लिए 27 और 28 दिसंबर को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें 14,92,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।